हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू टॉक विद आरडी। जैसे कि टॉपिक में क्लियर है मशीन लर्निंग पाइपलाइन, मैं आपको मशीन लर्निंग पाइपलाइन दो स्टेप में बताऊंगा। बट बिफोर वी बिगिन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेड। तो देखिए, एक तो मैं आपको सिंपल मशीन लर्निंग पाइपलाइन क्या होती है, क्या स्टेप होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, कैसी होती है, सब बताऊँगा। और उसके बाद ये मशीन लर्निंग पाइपलाइन को एक बिज़नेस मॉडल में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी मैं आपको डिटेल फॉर्म में बताऊंगा। सो देखिए, ओके, सो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको पता है कि मशीन लर्निंग एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो यहाँ पे मशीन लर्निंग पाइपलाइन, सो यहाँ पे पाइपलाइन का मतलब है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो बेसिकली कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम 7 स्टेप्स में हो जाती है। तो चलिए सबको मैं इलाबोरेट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहला स्टेप्स है डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। जो एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट इज डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा आर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है। वो डेटा को हमें डिफरेंट सोर्सेज से, पास्ट एक्सपीरियंस से कलेक्ट करना पड़ता है और मर्ज करना पड़ता है। मींस हमें सब डेटा कलेक्ट करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। एंड आवर सेकंड स्टेप इज डेटा प्रिपरेशन। एक पर्टिकुलर रेस्पेक्ट प्रॉब्लम के लिए हमें डेटा को फ्रेम करना पड़ता है। मींस वी नीड टू प्रिपेयर अ डेटा। डेटा प्रिपेयर करने के बाद हम तीसरे स्टेप में आते हैं, डेट इज डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। ये स्टेप जो है वो मशीन लर्निंग पाइपलाइन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, दैट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिस। अब देखो, यहाँ पे हमें थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस भी लगानी पड़ती है। हमें जो डेटा है उसको विजुलाइज़ करना पड़ता है कि जो हम प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम जो उस डेटा को फ्रेम किए हैं, क्या वो सही टाइप से फ्रेम है या हमें उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। सो वहाँ पे वी नीड टू विजुलाइज दैट डेटा। आफ्टर विजुलाइजेशन वी नीड टू एनालाइज दैट जो हमने किया है, क्या वो सही है या गलत है। ये फील्ड असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब जो फोर्थ स्टेप होती है, फीचर सिलेक्शन इंजीनियरिंग। आप जब डेटा को विजुलाइज और एनालाइज कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ओन इंजीनियरिंग लगानी है। जी हाँ, आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग लगानी है, मतलब आपको यहाँ आउटपुट को एनालाइज करना है। देखिए, कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम हो वो एक बार में नहीं होती, उसको बार बार आपको एनालाइज करना पड़ता है, बार बार उसका आउटपुट को चेक करना पड़ता है। और जब लास्ट में मिनिमम से मिनिमम एरर हो, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, आपका मॉडल रेडी है। आप कोई भी ML प्रॉब्लम को 100% एररलेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपका काम ये है कि एरर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम हो सके उतना मिनिमम कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि 100% एररलेस हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। जब आपको लगे कि आपका एरर बहुत ही मिनिमम है, तो उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं, दैट इज़ फिफ्थ स्टेप, दैट इज़ मॉडल ट्रेनिंग। आपको अब यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करना है। आपने जो भी प्रॉब्लम फ्रेम किए हैं डेटा के वजह से, जो भी सॉल्यूशन बनाया है विद रिस्पेक्ट टू द डेटा, यू नीड टू ट्रेन दैट। और आपको आउटपुट को और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करना है। आपको डेटा चेंज कर करके आपको उसका आउटपुट नोट करते जाना है। जब आपको लगे कि आपका मॉडल बहुत हद तक ट्रेन हो चुका है, तो आपको मॉडल को इवेल्यूट करना है। फिर से यहाँ पे आपको आउटपुट ही इवेल्यूट करना है, मींस आपको आउटपुट को ही चेक करना है कि आउटपुट आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या आउटपुट असल में आ रहा है, और उस प्रॉब्लम के कितने हद तक वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है। जब ये सब हो जाए, तो देन यू नीड टू प्रिडिक्ट द सॉल्यूशन कि आपका क्या डेटा था और क्या प्रिडिक्शन आ रहा है। ये है फाइनल और लास्ट स्टेप, दैट इज़ एक बार और देखिए। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन इंटीग्रेशन, देन डेटा प्रिपरेशन, फिर डेटा विजुलाइजेशन एंड एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड देन फीचर सिलेक्शन इंजीनियरिंग, देन मॉडल ट्रेनिंग, देन इवोल्यूशन, देन प्रिडिक्शन। दिस 7 स्टेप्स विल फ्रेम द कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ अ ML प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मशीन लर्निंग पाइपलाइन। इतना ही है, लगता है छोटा है पर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स। सो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस ML पाइपलाइन को एक बिजनेस मॉडल में कैसे फ्रेम करेंगे, वो और ही एनालिसिस रहेगा। सो थैंक यू एंड कीप सेफ एंड हैप्पी कोडिंग।